हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जहां सब सुरक्षित है और अल्पसंख्यक भी सुरक्षित है, और भारत का एक एक नागरिक यह भी महसूस करता है कि दुनिया का सबसे सुरक्षित देश अभी भारत है। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है, आप लाइव सीरीज देखना शुरू कर चुके हैं। देखिए, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने साफ राजद नेता अब्दुल बारिक सिद्दीकी के बयान का पलटवार किया और कह दिया है कि मैं इस देश का केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हूं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत में सभी वर्ग के लोग जो हैं वो सुरक्षित हैं और भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर अल्पसंख्यक लोग जो हैं वो सबसे ज़्यादा सुरक्षित हैं। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं नित्यानंद राय। अब्दुल बारिक सिद्दीकी का आरोप है कि भारत में और खास करके बिहार में अब अल्पसंख्यकों का रहना मुश्किल है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं आप, समूचे देश के लॉ एंड ऑर्डर और आदमी के नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी आप पर भी है। अब्दुल बारिक सिद्दीकी जैसे नेता का यह बयान किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, बिल्कुल उनका बयान गलत था और आप कह रहे हैं कि आप भारत के गृह राज्य मंत्री भी हैं। मैं भारत के गृह राज्य मंत्री होने के नाते कह रहा हूँ और बहुत जोर देकर कह रहा हूं कि हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जहां सब सुरक्षित है और अल्पसंख्यक भी सुरक्षित है, और जिसकी बात उकर रहे हैं जिस अल्पसंख्यक की, वह दुनिया के किसी देश से सबसे ज्यादा भारत में सुरक्षित है और उनकी सुरक्षा केंद्र की सरकार की नीति भी है। इसलिए वह जो कह रहे हैं वह आरजेडी के खोते हुए जनाधार से अलबलाकर वह ऐसी भाषा बोल रहे हैं। आज बताइएगा, विकास विकास की गंगा जो माननीय प्रधानमंत्री जी के भव्य प्रयास से बह रही है, क्या चिंतित करके होता है? जो क्राइटेरिया उसके आधार पर सबका समान सबका विकास हो रहा है और सबसे ज्यादा सुरक्षित जिस अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं वह भारत में है, और भारत का एक एक नागरिक यह भी महसूस करता है कि दुनिया का सबसे सुरक्षित देश अभी भारत है। भारत की इतनी प्रतिष्ठा है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कि दुनिया ने देखा है यूक्रेन और रूस के बीच उस युद्ध को युद्ध विराम करके भारत के 35,000 से ज्यादा छात्रों को, भाइयों को, बहनों को अपने देश आने का एक प्रकार से मौका दिया युद्ध विराम कर। जो भारत का तिरंगा थाम लिया वह सुरक्षित हुआ यूक्रेन और रूस के युद्ध में। पाकिस्तान के लोगों को भी वहां से निकलना पड़ा या किसी भी वैसे लोग को, तो वह भारत का नाम लेकर ही वहां से बाहर निकला। और वह दो दिन का माननीय प्रधानमंत्री जी के आग्रह पर जो यूक्रेन और रूस ने जो युद्ध को विराम दिया था, यह बताता है कि आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय दुनिया में भी सुरक्षित है और भारत में रहने वाला भारत का हर नागरिक सुरक्षित है। तो आपने साफ सुना किस तरीके से अब्दुल बारिक सिद्दीकी के बयान को उन्होंने साफ कह दिया कि एक राजनीतिक स्टंट हो सकता है, लेकिन जब से देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी बने हैं तब से देश में अल्पसंख्यक जो हैं वो सबसे ज़्यादा भारत में ही सुरक्षित है और सबसे ज़्यादा आबादी भी जो है अल्पसंख्यक की वो भारत देश में ही है, तो इस तरीके के राजनीतिक बयान ना दे। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही, आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।